और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी जहाँ 42-43 हो तो नेताओं को तो वैसे भी अपने ज़ुबान पर लड़खड़ा ही जा रहा है, और वैसा ही सिचुएशन हम छपला में भी देख रहे हैं वहाँ के कैंडिडेट में। हमें आजकल एक बड़ा संकट है कि आजकल नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं, इसका कोई आगे पीछे। अब आपने आपके स्वास्थ्य का आपकी बेटी ने ध्यान दिया है, तो ऐसा क्या है कि उसके लिए आप उनको कैंडिडेट बना देंगे? ये सवाल भी कई पत्रकारों ने किया था, और ये भी कहा था कि आपको धन संपत्ति दे देना चाहिए। नमस्कार, मैं पिस्कु साहब, फर्स्ट विहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने रोहिणी आचार्य पे जमकर निशाना साधा है। कहा है कि गर्मी का दिन है आजकल, 24 और 25 डिग्री का जो तापमान है वो सुबह में ही हो जा रहा है, और ये गर्मी नेता आजकल झेल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ अनर्गल बयान दे रहे हैं। और साथ में कहे राजीव प्रताप रूडी की तेजस्वी यादव भी उनका जो बयान है फालतू का बयान है, कुछ भी बोल रहे हैं। क्या कुछ कर रहा है राजीव प्रताप रूडी, पहले आप उनके बयानों को सुने। देखिए, आजकल एक बड़ा संकट, और संकट है कि भाषण में दे तो क्या दे, और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी जहाँ 42-43 हो तो नेताओं को तो वैसे भी अपने ज़ुबान पर लड़खड़ा ही जा रहा है, और वैसा ही सिचुएशन हम छपला में भी देख रहे हैं वहाँ के कैंडिडेट में। हमें आजकल एक बड़ा संकट है कि आजकल नेता क्या वक्तव्य दे रहे हैं, इसका कोई आगे पीछे। अब देश के राष्ट्रपति हिंदू हैं, फौज के अध्यक्ष हिंदू हैं, इसका क्या संदर्भ है? और हमने तो कभी नहीं देखा है कि देश के प्रधानमंत्री ने कभी हिंदुओं का डर दिखाया हो और हिंदुओं को डराया हो, ऐसा तो कोई विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनका बयान ही सामान्य रूप से अप्रासंगिक है। भाई देखिए, अब अगर तेजस्वी जी एम्स की बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल के उस कार्यकाल को याद करना चाहिए था। और जब तेजस्वी जी इस राज्य के विपक्ष के नेता है रहे हैं और सरकार में भी रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि उनके पिताजी को इलाज कराने के लिए सिंगापुर जाना पड़ा? और अगर उनको पटना के एम्स का, हमें याद है कि सुषमा स्वराज जी ने जब पटना में एम्स की शुरुआत करने की बात कही थी, तो आज 80% बिहार के मरीजों के लिए एम्स खुल गया है, लेकिन उनका बहुत स्वास्थ्य से कुछ लेना देना नहीं, और हमेशा कोई ना कोई टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री पर करना मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। रोहिणी आचार्य के नामांकन में लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे, राबड़ी देवी पहुंचे, तेज प्रताप यादव, तमाम लालू परिवार पहुंचे, और दम दिखाने की इस बार रोहिणी आचार्य सांसद बनने कितना अच्छा। देखिए, किसी के भी नामांकन में कोई भी पहुंच सकता है, उसमें कोई संकट नहीं है, लेकिन अभी पत्रकारों ने एक बड़ा कड़ा सवाल किया वहाँ, और कड़ा सवाल ये था कि आप परिवारवाद से आगे बढ़ करके वंशवाद कर रहे हैं। और किसी और पत्रकार ने कहा कि अगर किसी को, अगर आपने आपके स्वास्थ्य का आपकी बेटी ने ध्यान दिया है, तो ऐसा क्या है कि उसके लिए आप उनको कैंडिडेट बना देंगे? ये सवाल भी कई पत्रकारों ने किया था, और ये भी कहा था कि आपको धन संपत्ति दे देना चाहिए या राज्यसभा भेज देना चाहिए। तो आखिर कैंडिडेट बनाने का, और वो ही नहीं, पाटलिपुत्रा में भी बेटी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं, छपड़ा में भी कैंडिडेट बनाते हैं, तो क्या राष्ट्रीय जनता दल में कैंडिडेट का बड़ा अभाव हो गया है क्या? एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और तेजस्वी यादव, तो आपने सुना साफ तौर पर रोहिणी आचार्य को लिए साफ तौर पर कहा राजीव प्रताप रूडी की एक पत्रकार ने, बहुत ही कड़क सवाल किया है कि अगर वो लालू प्रसाद यादव को किडनी दी थी तो उन्हें कुछ दे देना चाहिए था, क्या जरूरत थी सारण से उम्मीदवार बनाने के लिए? क्या आरजेडी के पास सारण से उम्मीदवार बनाने के लिए कोई कार्यकर्ता की कमी हो गई थी क्या? बहरहाल इस खबर इतना ही, इसी तमाम खबरों के साथ बने रहे हैं, फर्स्ट विहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।